हिंदी को सब्सक्राइब करो अगर आपको जल्दी से स्मार्ट बनना है तो ये आईपीएल में आई थिंक मार्केटिंग माइंड्स की ज़रूरत है अब आई डेफिनेटली फील और एक और चीज़ मैं थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ कहने वाला हूँ और वो चीज़ है कि आई फील स्टार एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है ई पी okay. को बहुत अच्छे से ब्रॉडकास्ट किया इंडिया में बट क्रिकेट के साथ बिल्कुल भी अच्छा जॉब नहीं किया एंड आई फील एवरी फैन वॉन्ट्स टू वॉच आई पी एल ऑन सोनी मैक्स सोनी मैक्स जिस तरह से होस्ट करता था yes. एक अलग फील आती थी yes, है yes, yes. वो अपने जो ओरिजिनल फोर होते थे समीर कोचर गौरव शिवानी और अर्चना वहीं आ रहा था ये वो टाइम की बात है जब लोग अगर मैच आठ बजे चालू हो रहा है ना सात बजे से टीवी के सामने hmm. बैठते थे पता पता है और मैंने इंडस्ट्री इनसाइडर से बात मीडिया हाँ. की मीडिया की दुनिया से लोगों से बात की और मैंने पूछा कि ये क्यों है उन्होंने कहा जो मैक्स का कल्चर हुआ करता था वो अगेन ब्रांडिंग का था Yes. हमेशा ये सोचते थे कि अच्छा ब्रांडिंग कैसे कर सके mm -hmm. हर साल री एनवेंशन कैसे करें ब्रांडिंग में स्टार स्पोर्ट्स का कल्चर बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स ओरिएंटेड है राइट right. और बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं उनके कल्चर में जैसे कि उनकी ऑडियो इक्विपमेंट वीडियो इक्विपमेंट टॉप क्वालिटी नहीं है उनके सेट की डिजाइन yes. भी टॉप क्वालिटी yes. नहीं है yes. और yes. एक स्पेक्टिकल नहीं बनाते हमेशा ए वर्सेस बी ऐसे हमेशा लोग ही टक्कर के बारे में बात करते जाते हैं पर यू शुड मेक इट अ स्पेक्टिकल तो आई फील सो मैक्स ये करता है। एक आ, उनकी ब्रांडिंग आई में बहुत स्ट्रांग थी मैक्स लोग देखते थे, थे आई पी हाँ ऐसा एक सेट उन्होंने बनाया जहाँ पे आप कभी देख रहे हो बॉलीवुड स्टार्स आए बैठे हैं कभी देख रहे हो कि कोई एनालिस्ट आके बैठा है ऐसा कांस्टेंट नहीं रहता था कि क्रिकेट 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 तो मैं चार घंटे का मैच वैसे भी देखने वाला हूँ जहाँ कॉमेंटेटर्स वही बात करने वाले हैं जो आप डगआउट में कर रहे हो आपके आई फील कि की पूरी की पूरी आई की ये ब्रांडिंग ये फिर से कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है पर गौरव कपूर को देनी चाहिए जिस तरह से उन्होंने ब्रेकफेस्ट विद चैम्पियंस बनाया yes, दैट मैन कैन बी द फ्यूचर सेवे ऑफ आई पी एल जो बिल्कुल वो, वो के प्रोबली सबसे बड़े क्रिकेट फैन है मेरे खुद के सर्कल्स में आई फील की बहुत जानकारी है mm -hmm. मीडिया की दुनिया के बारे में स्केलेबिलिटी uh, के बारे mm -hmm. में ही इज द गाइड टू टेक आई पी एल फोर्ट अगर आप गौरव कपूर शिवानी डांड्रेकर समीर कोचर ऐसे नामों को जान रहे हो अभी तक उसी से समझ आता है कि कितनी अच्छी ब्रांडिंग थी प्री क्रिकेट क्रिकेट तो मैच तो चलने ही वाला बट उसके पहले की भी इतनी अच्छी ब्रांडिंग कर रहा था आईपीएल mm. जो हमारा टॉपिक था कि मनी कैसे हो रहा था दे देवर बिल्डिंग दीज एक्ट्स और उसके बीच में दे देवर गेटिंग इनको लोग जानते थे इनकी बातें सुनने में मजा आता था जब भी वो बड़म था होता था ना mm. ड्रम हो रहा है mm. उसके बीच में भी आप देखना स्पॉन्सरशिप रहती थी mm. है कि नहीं mm. इतने प्रमोशनल स्लॉट रखे थे एक भी टाइम ऐसा नहीं लगा कि यार क्या अभी मूवी का प्रमोशन क्यों देखू मैं <laughs> आप कमा रहे हो उसमें यार आपने mm. प्रमोशन स्लॉट दिया है फिर भी लोग मजे में देख रहे हैं यू आर गेटिंग दैट व्यूअरशिप mm. जो कि अब में कम हो mm. गया, आपका भी है बट नहीं अब बेस्ट ऑफ द क्रिकेटिंग लेजेंड्स होते हैं बट आपने जो बात बोली ना सही है ढल सा लगता है mm. यार. पूरे के पूरे आईपीएल को गौरव कपूर को हैंडओवर करना चाहिए और उनसे ये कहना चाहिए कि चलो इसे स्केल अप कर दो इसे अभी नेक्स्ट ईपीआर नेक्स्ट एनबीए बनाओ गौरव कपूर हैज द पोटेंशियल टू बी आई पी एल डेविड स्टोन जो जिन जिस इंसान ने एन बी ए को स्केल अप किया या, था माइकल जॉर्डन के साथ बिल्कुल बिल्कुल प्लीज अगर कोई सुन रहा है अगर सौरभ <laughs> गांगुली जी ये सुन रहे हैं गौरव कपूर को हैंड ओवर <laughs> कीजिए आई पी एल